लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण से पहले ही राष्ट्रीय जनता दल राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मणिराम मंडल और प्रदेश उपाध्यक्ष श्री राम भजन राय और जगत नारायण सिंह कुशवाहा सभी राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग में कहना है कि पहले सभी पार्टी शरद यादव के साथ थे और राम भजन सिंह का यह भी कहना है कि अति पिछड़ी जाति बिहार में 40% है, पता नहीं आगे की राजनीति कैसी होगी। यह देखना होगा कि राजनीति किस मोड़ पर जाती है। साथ ही साथ तेजस्वी यादव के घोषणा पत्र पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि घोषणा पत्र में तेजस्वी यादव ने पिछड़ी और अति पिछड़ी जाति के लिए काम करेंगे ये सब झूठ। चरण में पिछड़ा हो कि दलित हो उसकी घोर उपेक्षा हुई। जो हम लोग जैसे कार्यकर्ता है राजनीतिक दल में वो नीचे से झंडा धो के ब्लॉक से संघर्ष करते हुए जो वितरण हुआ था उसकी घोषणा विधिवत कर दी गई। एक दो सीट बाकी रह गया था जिसको बाद में हो गया। टिकट मेरा भी कटा, फातमी जी का कटा, फातमी सागर हो मधुबनी से, सीताराम यादव जी का कट गया, सीतामढ़ी से आलोक कुमार मेहता का उजियारपुर से, और कई ऐसे लोग थे जो पार्टी की जिन्होंने सेवा की थी, जो विचार को समझते हैं और जो विचार लेकर के संघर्ष करते हैं, जो राष्ट्रीय जनता दल का मूल विचार है कि सामाजिक न्याय धार्मिक का सिद्धांत, उसमें जो विचार से समझदारी से ज्ञान से वैसे लोगों को दरकिनार किया गया। टिकट बंटवारे में कई तरह की छीछा लेकर हुई, कई तरह के खर्चा प्रचार हुआ, लेन देन की बात हवा में आई सारे बिहार में, और राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन का जो चेहरा है छवि है वो धूमी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये हुई कि आरक्षण की बात की जाती है राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा, जब प्रतिबद्ध है कमीटे जाए विशेष अवसर सबसे बड़ा सिद्धांत है आरक्षण का आधार है, और विशेष अवसर में है कि जो जितना पिछड़ा है जो जितना वंचित है उसको उतना आगे बढ़ाए। राष्ट्रीय जनता दल के तत्वावधान में अति पिछड़ा सम्मेलन हुआ था अति पिछड़ी जातियों का, उसमें लालू जी की तरह तेजस्वी यादव जी ने घोषणा की थी कि हम हर स्तर पर चाहे वो संगठन हो कोई भी इकाई हो जिला स्तर राज्य स्तर पंचायत स्तर प्रखंड स्तर विधानसभा विधान परिषद राज्यसभा लोकसभा के टिकट के बंटवारे में हम 40% कम से कम अति पिछड़े लोगों को हम हिस्सा देंगे और उनकी भागीदारी हम सुनिश्चित करेंगे 40%। उसमें जो दलित हैं दलित के लिए आरक्षित सीटें शामिल नहीं, लेकिन इस बार जो टिकट बंटवारा हुआ है महागठबंधन का जो विधानसभा का चुनाव हुआ था महागठबंधन के नेतृत्व में उसमें भी यही अपेक्षा हुई थी। नेशन भारत के न्यूज रूम से निकिता मिश्रा की रिपोर्ट। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नेशन भारत।